Okay. So first of all, okay, this question will do, and then this question. Okay, two times. Okay, question says that there is a sequence, and Tn is given to you. Tn minus 1 is given to you. Well, what is Tn? Tn का मतलब क्या होता है? Nth term, right? Nth term. और nth term का क्या मतलब होता है? कि अगर मैं आपको एक सीक्वेंस देता हूँ, उसका n नंबर ऑफ पोजीशन पर जो टर्म है उसको बोलते हैं nth term. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सीक्वेंस देता हूँ, सपोज ये एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस. अब ये सीक्वेंस का अगर मैं आपको बोलूँ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म मतलब क्या होता है कि दूसरा पोजिशन में जो है वही होगा सेकेंड टर्म. अगर मैं बोलूँगा थर्ड टर्म, तीसरा पोजिशन में, शुरुआत से जो तीसरे पोजिशन में जो होगा वो थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म शुरुआत में जो फोर्थ. उसी तरह nth टर्म का क्या मतलब होता है कि जो nth पोजिशन में जो होगा लास्ट टर्म, यस लास्ट टर्म, nth पोजिशन में जो होगा उसको बोलते हैं nth टर्म, राइट. लास्ट में अगर n के जगह कुछ भी रखा, उसी नंबर ऑफ टर्म आपको पता चलेगा. सपोज में n के जगह पर 1 रखा तो ये हो जाएगा टी वन, मतलब फर्स्ट टर्म. सपोज में n के जगह 2 रखा तो ये हो जाएगा टी टू, मतलब सेकेंड टर्म. सपोज में n के जगह 3 रखा टी थ्री, मतलब टी एन का मतलब होता है जनरल टर्म. टी एन क्या समझाता है कि nth टर्म को समझाता है. तो nth टर्म, तो n कोई एक नेचुरल नंबर है, उसी पोजिशन वाला टर्म को हम बोलते हैं nth टर्म. n कोई एक नेचुरल नंबर है. तो सवाल में आपको nth टर्म दे रखा है एंड n माइनस वंथ टर्म दे रखा है, और n माइनस वंथ टर्म का मतलब क्या होगा कि द टर्म लास्ट टर्म से जस्ट पहले, यस nth टर्म का पहला वाला टर्म, राइट. nth टर्म का पहला वाला टर्म, n माइनस वन मतलब n माइनस वंथ टर्म, एंड ऑब्वियसली इट इज व्हाट द टर्म प्रीवियस टू बिफोर द nth टर्म, यस previous to nth. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सीक्वेंस में पहले टी एन माइनस वन आएगा, उसका नेक्स्ट टर्म आएगा टी एन, राइट. ओके, अब उसने दे रखा है कि प्रूव दैट और शो दैट दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एपी. आपको दिखाना होगा कि यह सीक्वेंस एक एपी नहीं है. अच्छा, हमें पता है कि एपी का मतलब क्या होता है, कि कोई भी सपोज हमें सीक्वेंस दे रखा है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन गिवन अ सीक्वेंस, let's say I have been given a sequence, for example let's say 2 4 6 sir they should 8. contain a equal interval, yes yes 12 dot dot dot, and I am calling it an ep. why is that? because main dekh raha hu is ye jo sequence hai, this is a sequence, there is a comma between each term. main dekh raha hu ye jo sequence hai jisme bahut sare terms hain, मैं देख रहा हूँ कोई भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म में अगर माइनस करता हूँ तो मुझे हर वक्त सेम कांस्टेंट मिलता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर 8 से उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलता है 2, 10 से भी उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दिया 2, 12 से प्रीवियस टर्म माइनस कर दिया 2, 6 से प्रीवियस टर्म माइनस कर दिया 2, 4 से प्रीवियस टर्म माइनस कर दिया 2, 2 का तो कोई प्रीवियस टर्म नहीं है तो माइनस नहीं करोगे. या फिर आप उसको उल्टा ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी टर्म में मैं अगर एक सेम कांस्टेंट बार बार ऐड कर रहा हूँ तो मुझे उसका नेक्स्ट टर्म मिलता जा रहा है. तो ऐसा सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. तो जाहिर सी बात है कि एपी उसी को बोला जाएगा, एक सीक्वेंस को हम तभी एपी बोलेंगे अगर उसका कोई भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तो एक सेम कॉन्स्टेंट मिले तो हम उसको एपी बोलेंगे. दैट्स इट. तो हमें अगर कोई एक जनरल टर्म एन टी एन दे रखा है, एनी जनरल टर्म टी एन इज गिवेन टू अस, एंड एनी जनरल टर्म टी एन माइनस वन इज गिवेन टू अस. जनरल टर्म मतलब nth टर्म का प्रीवियस टर्म इज टी एन माइनस वन हमें दे रखा है. तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि nth टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे. ये करेंगे, करने के बाद देखेंगे. अच्छा एक मिनट, ये nth टर्म एंड n माइनस वन टर्म कोई पर्टिकुलर टर्म थोड़ी ना है. nth टर्म का मतलब कोई भी टर्म हो सकता है, इट कुड बी फिफ्थ टर्म. अगर nth टर्म फिफ्थ टर्म हुआ तो n माइनस वन टर्म कौन सा होगा, फोर्थ टर्म होगा. अगर nth टर्म टेंथ टर्म हुआ तो n माइनस वन टर्म कौन सा होगा, नाइन्थ टर्म होगा. तो ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, कोई फिक्स टर्म नहीं है. n कुड बी एनी नंबर. अगर n के जगह आप 2 रखो तो ये सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म. n का जगह 4 रखो तो ये फोर्थ टर्म, ये थर्ड टर्म.
तो हम देखेंगे कि कोई भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म अगर माइनस करते हैं, मतलब nth टर्म से उसका प्रीवियस टर्म अगर माइनस करते हैं, nth टर्म मतलब कोई भी टर्म एंड n माइनस वन टर्म मतलब उसका प्रीवियस टर्म अगर माइनस करके देखते हैं, अगर हमें एक कॉन्स्टेंट मिल जाता है, कॉन्स्टेंट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हमें 5 मिल गया, मानो लेट्स से अस्यूम कि हमें 5 मिल गया मानो, तो इससे क्या नतीजा निकल के आता है कि मैं nth टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस करने से मुझे 5 मिल रहा है। अभी nth टर्म क्या है, कोई भी टर्म हो सकता है, इसका मतलब मैं थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करूंगा तभी 5 मिलेगा, फिफ्थ टर्म से फोर्थ टर्म माइनस करूंगा तभी 5 मिलेगा, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करूंगा तभी 5 मिलेगा, क्योंकि उसने बोला है ना एनी nth टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म इज 5, तो प्रूव हो गया दिस इज एन एपी। लेकिन क्या हो अगर nth टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस किया और मुझे कोई कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, कांस्टेंट नंबर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब है ये एपी का कोई भी टर्म, nth टर्म मतलब कोई भी जनरल टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म इज नॉट ए कांस्टेंट, तो ये कैसे एपी होगा, दिस इज नॉट एन एपी। तो ऐसे हम एपी चेक करेंगे, राइट, कि एक nth टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे, अगर हमें कांस्टेंट मिलता है देन एपी, अगर कांस्टेंट नहीं मिलता है तो नॉट एपी। आई होप यू गेट इट, राइट? यस सर। ओके, यस सर। तो इधर देखो बेटे, आपको nth टर्म से जब आप उसका प्रीवियस टर्म माइनस किए तो आपको मिला ये 6 to the power n-1, सॉरी n-3, आई थिंक इट इज रॉन्गली रिटन, सो नो, इट विल बिकम 6 whole into n-3 आई थिंक, बिकॉज इफ यू सब्ट्रैक्ट इट व्हाट विल हैपन, यू सी, लेट मी जूम इट इन, अगर आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखो 3n² + 2 ये nth टर्म है, माइनस n-1 प्रीवियस टर्म ये है, अगर माइनस करो तो ब्रैकेट खोल दोगे अगर, तो 3n² + 6n-5, तो ये कट गया और आपका आता है कि 6n-3, 6n और 2-5 is -3, तो उसने 6 कॉमन ले लिया, फिर आएगा थ्री कॉमन लोगे तो 2n-1, ठीक है ना, ये गलत लिखा है, आप चेक करोगे, ठीक है। ओके, अब देखो बेटे, जब आप nth टर्म से n-1 टर्म को माइनस किए तो क्या नतीजा निकल के आता है, क्या निकल के आता है, इज इट ए कांस्टेंट, क्या 3 into 2n-1 ये कोई कांस्टेंट है क्या, बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है। कौन बताएगा क्यों ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट क्यों नहीं है, बिकॉज ये एन के ऊपर डिपेंड करता है, ये एन के ऊपर डिपेंड करता है, इसका मतलब आप एन का जगह कुछ ले जाओ, सपोज एन का जगह 5 ले जाओगे, मतलब फिफ्थ टर्म से फोर्थ टर्म माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर, ये एन का जगह 5 डाल दो जो मिलेगा वही आंसर, उनका डिफरेंस। सपोज आप एन का जगह 6 डाल दोगे, मतलब सिक्स्थ टर्म से फिफ्थ टर्म माइनस कर दोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, ये एन का जगह 6 डाल दो, क्योंकि वही बोला है ना tn-1 = this, तो इसका मतलब कोई भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं तो कोई कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, हमें मिल रहा है दिस व्हिच डिपेंड्स ऑन एन, एन के ऊपर डिपेंड करता है, अभी एन का वैल्यू अलग अलग होगा तो एक टर्म से उसका प्रीवियस टर्म का डिफरेंस अलग अलग हर बार आएगा, तो ये एपी नहीं होगा। आई होप यू गेट द पॉइंट, राइट? ओके, यस सर। सो दैट्स इट, यस सर, यस सर। ओके, लेकिन सवाल ये है, क्या ये हर वक्त आपको एन माइनस वन टर्म देगा, बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एन माइनस वन टर्म देगा ही नहीं, ये आपको सिर्फ nth टर्म देगा और पूछेगा कि प्रूव दैट इट इज एन एपी और नॉट। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये उसने दे रखा है आपको nth टर्म इज 3n² + 2, सपोज ये आपको दे रखा है कि tn = 3n² + 2 और आपको इसको एपी या फिर एपी नॉट एपी दिखाना है, तो फिलहाल उसके लिए आपको एन माइनस वन टर्म की जरूरत है, मतलब टी एन माइनस वन की जरूरत है, इसका जरूरत है। अब बड़ा आसान इसको निकालना, आप सिंपली इधर एन का जगह अगर एन माइनस वन रखे तो इधर भी एन का जगह एन माइनस वन रखना होगा, तो आपका आंसर मिल जाएगा, इसको एन को रिप्लेस करके एन माइनस वन किए
इधर भी जहां पर n लिखा है उसको रिप्लेस करके, बस n को रिप्लेस करना और कुछ को नहीं, बस n को रिप्लेस करके n माइनस वन लिखना है। जैसे कि मैं आपको अगर फिफ्थ टर्म पूछता हूँ, टी फाइव अगर पूछूँ इसी से, तब क्या करोगे, बस n का जगह फाइव लिख रहे हो, तो राइट हैंड एक्सप्रेशन में n का जगह बस फाइव लिखना है, थ्री इंटू फाइव का स्क्वायर प्लस टू। बिल्कुल उसी तरह अगर n का जगह n माइनस वन लिख रहे हो तो राइट में जो एक्सप्रेशन है उसमें n का जगह n माइनस वन लिखना है। तो फाइनली इसको जब आप ओपन करते हो तो थ्री इंटू ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन प्लस टू, तो ब्रैकेट खोल देते हो, अगर यू क्या हो जाता है बेटे, थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री माइनस क्या होगा, सिक्स एन प्लस टू। तो अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो थ्री एन स्क्वायर माइनस सिक्स एन और थ्री प्लस टू कितना होता है, फाइव प्लस फाइव, गेट इट, बस थ्री एन स्क्वायर माइनस सिक्स एन प्लस फाइव। तो अब क्या करोगे बेटे, nth टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस करोगे और माइनस करके देखो क्या आ रहा है, अगर कोई कॉन्स्टेंट नंबर आ रहा है देन इट इज ए पी, अगर कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा है तो नॉट ए। वेल एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे। अच्छा आई होप यू गॉट द जिस्ट राइट, कैसे करना है आपको पता चलेगा, चल गया ओके? यस सर, यस सर, यस सर। दूसरा एक चीज हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, आई रिमेम्बर, कि याद रखो कि nth टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी इज ए लिनियर एक्सप्रेशन, इज ए लिनियर एक्सप्रेशन ऑफ n, इज ए लिनियर एक्सप्रेशन ऑफ n। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एपी का nth, अगर अगर कोई सीक्वेंस का nth टर्म उसने दे रखा है, मैं ये वन मार्क का सवाल के बारे में बात कर रहा हूँ, टू या फिर फोर मार्क का देता है तो आपको पूरा प्रोसेस से करना पड़ेगा, nth टर्म निकाल के, सॉरी nth टर्म दे रखा होगा, n माइनस वन टर्म निकालना होगा, nth टर्म से n माइनस वन टर्म माइनस करना होगा, कॉन्स्टेंट है तो एपी, नहीं है तो नॉट एपी। लेकिन मैं वन मार्क सवाल की बात कर रहा हूँ कि सपोज आपको क्वेश्चन में एक सीक्वेंस का बोल रखा है कि देयर इज ए सीक्वेंस जिसका nth टर्म है 2n प्लस 3 एंड इट इज आस्किंग यू दिस क्वेश्चन वेदर इट इज एन एपी और नॉट, वेदर दिस सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। वेल द आंसर इज येस, ये वन मार्क का सवाल है और वन मार्क का सवाल में बेटे नो एक्सप्लेनेशन, वन मार्क का सवाल में डायरेक्ट आंसर, नो एक्सप्लेनेशन, अननेसेसरी, कोई नहीं पढ़ेगा एक्सप्लेनेशन। तो कैसे मुझे पता चला कि ये इसका nth टर्म 2n प्लस 3 है और मुझे कैसे पता चला हाँ ये एपी है, क्योंकि मैं अप्रूव कर सकता हूँ कि हर एपी का जो nth टर्म है दैट इज ए लीनियर एक्सप्रेशन इन n। लीनियर मतलब डिग्री, जो एक्सप्रेशन होगा उसका डिग्री वन होना चाहिए बेटा। आई थिंक नाइन्थ क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर आप सब पढ़े हो कि डिग्री वन होना, लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक मतलब हाइस्ट पावर 2 होगा, क्यूबिक मतलब हाइस्ट पावर 3 होगा, लीनियर मतलब हाइस्ट पावर 1 वेरिएबल का। तो इधर आप देख सकते हो वेरिएबल का हाइस्ट पावर कितना है बेटा, 1 राइट। तो यस दिस इज एन एपी। वेल तो अगर आपको पूछता है एक सीक्वेंस है, देयर इज ए सीक्वेंस एंड उसका nth टर्म उसने दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस 3 और पूछा है कि इज दिस एन एपी और नॉट, एंड आंसर इज एब्सोल्युटली नो, दिस इज नॉट एन एपी। अगर वन मार्क सवाल पूछा है, व्हाई इज दैट, बिकॉज अगर ये एपी होता तो इसका nth टर्म एक लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n होता, जबकि इसका nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो एब्सोल्युटली नो दिस इज नॉट एन एपी। तो ये रहा वन मार्क सवाल के लिए। अगर टू मार्क, थ्री मार्क, फोर मार्क, सॉरी टू मार्क, फोर मार्क, सिक्स मार्क पूछेगा तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, बट वन मार्क के लिए यू हैव टू डू इट लाइक दिस। और मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया था बेटे, सपोज एक एपी है, देर इज एन एपी, लेट देर इज एन एपी और उस एपी का मानो फर्स्ट टर्म इज ए एंड लेट से उसका कॉमन डिफरेंस इज डी, तो ये एपी का nth टर्म कैसे निकलता है? अगर मैं एपी का nth टर्म निकालना चाहूँ, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth टर्म, दिस इज द फॉर्मूला, रिमेंबर और नॉट? हेलो, यस सर, यस 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 सर।
So this is the formula in which by which we will find the nth term of an f. So this is a fixed formula. You cannot change the formula. This is the formula. You cannot change it. This is the formula. This is the formula. You cannot change it. Okay, that's it. So क्या करते हैं? ये जरा d को multiply करते हैं distributive law लगा के, तो nd minus d, right? nd minus d. मतलब nd plus a minus d, right? मतलब जो फॉर्मूला हम देखे हैं a plus n minus 1 into d, उसको अगर थोड़ा ओपन कर दे तो हमें असलियत सामने नजर आ जाता है कि हर ap का जो nth टर्म है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन ही है ना. क्योंकि आप इसको चेक करो जरा बेटे, ये एक्सप्रेशन का, ये एक्सप्रेशन किस टाइप का एक्सप्रेशन है? इज इट लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाड? इट इज लीनियर बिकॉज इसमें जो वेरिएबल n है उसका हाईएस्ट पावर 1 है, बराबर? देख रहे हो बेटे, और ये तो कांस्टेंट है, तो इट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन. यू गेट इट और नॉट? यस सर. तो इससे साबित हो गया कि हर एपी का जो nth टर्म है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन इन n है. तो इसी से मैं प्रूव कर सकता हूँ, कोई भी एपी अगर देता है और उसका nth, सॉरी, कोई भी सीक्वेंस देता है, कोई भी सीक्वेंस देता है और उसका nth टर्म मुझे दिया गया है, मैं देख के ही बता सकता हूँ कि वो सीक्वेंस एपी होगा कि नहीं होगा. कैसे? उसका nth टर्म अगर लीनियर एक्सप्रेशन है तो एपी होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा. दैट्स इट. ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट, वन सेकंड, टेक द स्क्रीनशॉट. डन. ओके. यस सर. यस सर. ओके, टेक इट. ओके, टेक इट. डन. बस. यस सर, डन. बस. लेकिन बेटे अब मैं आपको ऐसा एक एपी से मिलवाने जा रहा हूं, एक ऐसा एपी से मिलवाने जा रहा हूं जिसका nth टर्म इज ए कॉन्स्टेंट. लेट्स टॉक अबाउट सच एन एपी हुज nth टर्म इज ए कॉन्स्टेंट. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि देर इज एन एपी, देर इज एन एपी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उसका nth टर्म इज सपोज 5. वेल, इसका मतलब क्या होता है? nth टर्म 5 का मतलब क्या होता है? nth टर्म का मतलब क्या होता है? कि n पोजीशन वाला टर्म. तो n मतलब कोई भी हो सकता है, n के जगह हम कुछ भी रख सकते हैं. इसका मतलब अगर हम बोले कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, मतलब n का जगह, तो वही 5, क्योंकि उसने बोल रखा है कि nth टर्म इज 5, तो n के जगह कुछ भी रखो 5. सेकंड टर्म इज 5, थर्ड टर्म इज 5, फोर्थ टर्म इज 5. तो इसका हर एक टर्म सेम है, 5 है, 5 5 है. और इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 0, राइट? जरा इमेजिन करो, जरा इमेजिन करो, ये एक एपी है और ये एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटे? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. अब एनी टर्म 5, उसका प्रीवियस टर्म 5 माइनस करो तो 0 0 0 0 0. सर, ये ऐसा एक एपी है जिसका nth टर्म इज ए कॉन्स्टेंट. अब मैं कॉन्स्टेंट यहाँ पर 5 रखा, 5 का जगह 2 4 3 से रूट 2 जाए, जो भी रख सकते हो, आपका मर्जी. मैं 5 रखा बस एन था. तो मैं आपको क्या बोला कि बेटे दो टाइप का nth टर्म एपी का आएगा. एक आएगा अगर nth टर्म का एपी, सॉरी, एपी का अगर nth टर्म एक कांस्टेंट दे रखा है तो वो भी एक एपी है और उसका कॉमन डिफरेंस 0 होगा. और दूसरा तरह का, जो कि जनरली हर एपी का nth टर्म एक लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ n होता है. आई होप यू गेट इट. टेक द स्क्रीनशॉट. डन. अरे डॉन सर. ओके. यस सर. ठीक है. ओके. अच्छा, एवरीबॉडी एवरीबॉडी रेस्पॉन्ड प्लीज, एवरीबॉडी रेस्पॉन्ड प्लीज. आई डोंट नीड टू आस्क यू दिस अगेन एंड अगेन. प्लीज रेस्पॉन्ड इन क्लास एवरीबॉडी. ओके. यस सर. ओके. अच्छा, तो ये दो क्वेश्चन आपने लिख लिए तो करने के लिए, ये दो क्वेश्चन, राइट? राइट दिस क्वेश्चन, इसको भी करोगे? अरे ये क्वेश्चन मैंने कर दिया था इन क्लास, आई हैव डन दिस क्वेश्चन. आप स्क्रीनशॉट लिए होगे, नोट में लिखे होगे, तो देख के भी कर सकते हो. लेकिन पहले समझना है, खुद से ट्राई करना है, नहीं हुआ तो फिर देख के करना. बिल्कुल, इसमें आपको बस कुछ नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं है, बस एक
प्रोग्रेशन या फिर एक सीक्वेंस आपको दे रखा है और पूछ रखा है कि ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं, तो आपको सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो, तो देखो क्या आता है। अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म दोनों सेम आए, कि सेकेंड जैसे इधर देखो बेटे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया आंसर आया लॉग बी, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म किया आंसर वही आया लॉग बी, तो ये एक प्रोग्रेशन है और प्रोग्रेशन एक रूल के द्वारा बना हुआ है, ये प्रोग्रेशन मतलब एक रूल है, रूल के द्वारा बना हुआ है। तो ये रूल पता चल गया कि हर टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म इज अ कॉन्स्टेंट व्हिच इज लॉग बी इन दिस केस, दैट इज वाई यस इट इज एन एपी, क्योंकि एक टर्म से दूसरा प्रीवियस टर्म माइनस करने से अगर कॉन्स्टेंट आ रहा है तो एपी, प्रूव हो गया, बस काम खत्म। अब उसका जनरल टर्म निकालना है, जनरल टर्म के बाद उसका टेंथ टर्म निकालना है। लेकिन फिलहाल एक बात मुझे बताओ, आई थिंक लॉगरिथम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था मैंने, पूरा लॉगरिथम अच्छे समझाया था, रिमेंबर सब कुछ, रेडी, रूल्स रूल याद है ना, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बी, फॉर्मूला बताया था, हेलो रिमेंबर, ओके ओके ओके, ट्राई करोगे, नहीं होगा तो संडे मुझे पूछोगे, हो जाना चाहिए, संडे तक टाइम दे रहा हूँ, ओके ओके। सो बस ये क्या, फिर अगर मुझे जनरल टर्म चाहिए, फाइंड द जनरल टर्म, बड़ी जनरल टर्म, जनरल टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, अभी बताया, एन एन टी एन, टी एन होता है जनरल टर्म, एनथ टर्म, जैसे मैंने बोला था कि हम जितने अभी क्लास में अभी बैठे हैं, हम सब जनरली क्या है बेटे, हम सब जनरली क्या है, हम सब जनरली ह्यूमन बींग्स, राइट, हम सब ह्यूमन बींग्स, हमारे बीच में कॉमन प्रॉपर्टी है दैट वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, राइट, तो ह्यूमन बोले तो हम सबको रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमन बोले तो हम सब, उसी तरह जनरल टर्म बोले तो ये प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म, एनथ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, फिफ्थ सिक्स टर्म हो तो तो एनथ टर्म आपको निकालना है। तो एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए क्या है बेटा, इसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, ए होता है फर्स्ट टर्म। बेटे देखो गलती से क्या हो जाता है आपसे, कि फॉर्मूला का जो ए है उसको आप क्वेश्चन का ये ए से कंपेयर मत करना बेटे, ये फॉर्मूला का जो ए है, ये फॉर्मूला का ए का मतलब होता है कि जो आपको जो सीक्वेंस दे रखा है उसका फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म लॉग ए है, तो इसका जो ए का वैल्यू इधर लॉग ए है, हाँ, मतलब फॉर्मूला का ए का वैल्यू रियलिटी में लॉग ए है, ठीक है, तो गड़बड़ मत करना, तो ये लॉग ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया, लॉग बी, लॉग बी, लॉग बी, लॉग बी। तो बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, कर देने के बाद यू गॉट इट, दिस द एनथ टर्म। अब सवाल में आपको पूछेगा व्हाट इज द टेंथ टर्म, देखो पूछा है व्हाट इज द टेंथ टर्म, तो टेंथ टर्म आपको कैसे निकालना, आप ऑलरेडी एनथ टर्म निकाल चुके हो कि दिस इज माई एनथ टर्म, लॉग ए प्लस एन माइनस वन इंटू लॉग बी, इसको और सिंप्लीफाई नहीं करना है, इधर ही छोड़ देना है, ये आपका एनथ टर्म। तो अभी आपको अगर टेंथ टर्म निकालना होगा, मतलब एन का जगह टेन बस डालना है, तो एक्सप्रेशन में एन का जगह क्या डालना है बेटे, अगर इधर एन का जगह टेन डालना है तो इधर भी एन का जगह टेन डालना है, तो टेन माइनस वन नाइन लॉग बी। और थोड़ा अगर सिंप्लीफाई कर दो, तो मैंने आपको बोला था याद होगा कि लॉग एम टू दी पावर एन, मतलब किसका आप लॉग निकालो, इधर एम टू दी पर एन का लॉग निकालो, बेटे किसका लॉग निकाल लो, एम टू दी पर एन का लॉग निकाल लो, तो दिस इज इक्वल टू एन टाइम्स लॉग एम, पढ़ाया था मैंने, मतलब ये जो एम का जो पावर है वो इधर चला आता है, मतलब खाली एम का लॉग निकाल के उसमें अगर एन मल्टीप्लाई कर दोगे जो मिलेगा, एम टू दी पावर एन का लॉग निकालोगे वही आंसर है। तो इधर भी बेटे नाइन लॉग बी जो है लॉग बी टू दी पावर नाइन भी वही है, आप चेक कर सकते हो नाइन को ही सर। आई होप यू गेट इट, यस सर, यस सर। अब उसके बाद मैंने रूल बताया था कि लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई, तो लॉग ए प्लस लॉग बी टू दी पावर नाइन क्या होगा, लॉग ए इंटू बी टू दी पावर नाइन, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, फॉर्मूला, अरे गेट इट, तो देखो आंसर आ गया आपको, आपका टेंथ टर्म आ गया, ओके आगे चलते बट ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, सिक्स मार्क का क्वेश्चन होगा, इफ दिस क्वेश्चन इज आज डायरेक्ट देन दिस क्वेश्चन इज सिक्स मार्क क्वेश्चन, सो ले जाओ स्क्रीनशॉट, ले जाओ ये क्वेश्चन भी करके मुझे नेक्स्ट क्लास में,
दिखाना होगा इस क्वेश्चन लगे। यस सर। यस सर। ओके हाँ, ये क्वेश्चन भी ले जाओ, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन एक सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन ही ले जाइए। डन सर। डन। ओके अच्छा हाँ, ये भी बड़ा सरल सा सवाल है। इसमें आपको दो अरिथमेटिक सीरीज दे रखा है, और बेटा देखो अरिथमेटिक सीरीज मतलब कोई भयंकर चीज नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है पी है, उसका हर टर्न के बीच में अगर प्लस बैठा दो तो हो जाता है अरिथमेटिक सीरीज, वो एक्सप्रेशन। कोई भयंकर चीज नहीं है, आप मत सोच लेना कुछ ये कुछ भयंकर चीज है। आप ये समझ लो कि अरिथमेटिक सीरीज देख के आप मालूम कर सकते हो कि ये इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा। क्या होगा इसका प्रोग्रेशन? 3, 7, 11, 15 ये हमारा एपी है, ये इसका कॉरिस्पॉन्डिंग एपी ए है। बस इसके बीच प्लस लगाओ तो अरिथमेटिक सीरीज। अब ये भी आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉरी सीरीज दे रखा है, और इसका कॉरिस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? 1, 6, 11, 16। अच्छा बेटे आप देख सकते हो कि ये दोनों जो एपी आपको मिला है, ये दोनों एपी का पहला कॉमन टर्म क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट कॉमन टर्म दैट यू सी हियर? 11, राइट? 11। यू सी फॉर योरसेल्फ 11 इज द फर्स्ट कॉमन टर्म बिटवीन देम। वेल ऐसे करके कोई नेक्स्ट कॉमन टर्म भी हुआ होगा, कोई एक दूसरा कॉमन टर्म भी होगा। जैसे 11 मिला, उसके आगे आगे तो हम आगे अगर कितने लिखेंगे, जहां तक लिखेंगे वैसे वैसे कर करके मे बी आगे आगे चल चल के और भी कॉमन टर्म मिलते जाएंगे। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। तो इधर 11 ये दोनों का फर्स्ट कॉमन टर्म है, 11 इन दोनों का फर्स्ट कॉमन टर्म है। उसी तरह एक सेकंड कॉमन टर्म भी होगा, एक थर्ड कॉमन टर्म भी होगा, एक फोर्थ वाला कॉमन टर्म भी होगा। और सवाल में आपको पूछ रहा है कि फाइंड द 10th कॉमन टर्म, 10th दसवां कॉमन टर्म। पहला कॉमन टर्म 11 है, आगे चल के और कॉमन टर्म्स आते रहेंगे, तो दसवां कॉमन टर्म कितना है? डायरेक्ट बोलो विदाउट अरे भाई दसवां कॉमन टर्म निकालने के लिए थोड़ी ना आप पूरा आगे आगे सारे सारे टर्म देखते जाओगे और चेक करते जाओगे एक एक करके। ऐसे करके आपको 100th कॉमन टर्म पूछेगा तो 100th कॉमन टर्म के लिए कितना लिखना पड़ेगा? नो, वी हैव टू यूज द डायरेक्ट फार्मूला, यूज द डायरेक्ट मेथड कि कैसे मुझे इन दोनों के बीच में दसवां कॉमन टर्म मिल जाए। तो मैंने बोला था क्या करना है आपको कि ये जो दो एपी दे रखे हैं दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालो। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी? 4। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी? 5। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस जो निकल के आया उन दोनों का एलसीएम लेना है। क्या लेना है बेटे? एलसीएम लेना है, मतलब 5 और 4 का एलसीएम लेना है। और 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा बेटे? 20। देखो बेटे एलसीएम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू सीरीज, 5 4 का एलसीएम कॉमन डिफरेंस दोनों का एलसीएम इज 20। बस अच्छा, दोनों का फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है बेटा? व्हाट इज द फर्स्ट कॉमन टर्म बिटवीन देम? 11। बस इतना आपको पहले तय करना होगा। पहले कितनों को नहीं समझ में आया यहां तक क्या किए, दोनों का कॉमन डिफरेंस का सिर्फ मैंने एलसीएम निकाला और दोनों का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम निकाला और दोनों एपी के बीच में जो फर्स्ट कॉमन टर्म है उसको ढूंढा, वो कौन है बेटे? 11। इतना तक समझ में आ गया बेटे? यस सर। यस सर। यस सर। फिर मैं क्या करूंगा, एक नया एपी इमेजिन करो, एक नया एपी, होल न्यू एपी जिसका फर्स्ट टर्म आप दोनों का जो कॉमन फर्स्ट कॉमन टर्म लिए हो 11 रखो, एक न्यू एपी जिसका फर्स्ट टर्म दोनों जो ओरिजिनल एपी का कॉमन पहला कॉमन टर्म जो लिए थे वही रखो, एंड ये एपी का जो कॉमन डिफरेंस दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस का जो एलसीएम लिए थे वो ले लो। क्या बेटे? 20। ये कि न्यू एपी, मेरे पास समझ रहे हो? और इस एपी का ये जो न्यू एपी है, इस न्यू एपी का 10th टर्म निकाल दो, ये तो आप निकाल ही पाओगे।
कैसे निकालते हैं बेटे? अरे T1 का मतलब होता है ए, यस T1 का मतलब होता है ए, ए ए ए बोले तो एपी का फर्स्ट टर्म, और सी डी बोले तो डी, डी डी बोले तो सी डी, डी बोले तो सी डी। तो मुझे अगर T10 निकालना होगा तो मुझे TN का फॉर्मूला पता है, एन nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मुझे अगर T10 चाहिए तो ए प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9D, और ए क्या है बेटे, ए इज 11, 9 इंटू डी क्या है बेटे, डी इज 20। तो व्हाट क्या निकल गया था, 180 प्लस 11 191 राइट, 191 ये जो 191 निकल के आया, ये क्या निकल के आया, ये जो न्यू एपी है, ये जो न्यू एपी है इसका 10th टर्म वो इज 191 राइट, एंड दैट इज योर आंसर, एंड दैट इज योर आंसर। दोनों एपी का 10th 10वां कॉमन टर्म वही होगा। मेरा बात समझ गए बेटे? हेलो यस सर। हाँ 191। सो okay, I am also recording this class, so you can rewatch the video if you have any doubts anywhere, and then clear your doubts. Take the screenshot. You will have to do this question. Okay, दो बार करके लाना है इसको. Okay. Then बेटे आप क्या करोगे कि no. Okay. हाँ, this example इसको करके लाना है. Take the screenshot. Find the sum of all the 2-digit numbers which when divided by 4 yield 1 as remainder. मतलब ऐसे दो डिजिट नंबर, ऐसे टू डिजिट नंबर जिनको 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 आता है, वो सारे टू डिजिट नंबर को ऐड करने से क्या सम होगा, वही पूछा है। तो जो टू डिजिट नंबर्स को ऐड करके आपको रिमाइंडर 4 मिलता है, सॉरी रिमाइंडर 1 मिलता है, सॉरी जो टू डिजिट नंबर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर आपको 1 मिलता है, वो टू डिजिट नंबर आपको कैसे मिलेगा, कैसे मुझे पहला टू डिजिट। हाँ यस सर, जो 4 से डिविजिबल होगा उसमें प्लस 1 करेंगे। एक्सेलेंट। तो मुझे अगर पहला टू डिजिट नंबर चाहिए जो कि 4 से डिवाइड होने पे 1 आपको रिमाइंडर दे उसको निकालने के लिए, तो पहला कौन सा टू डिजिट नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है वो निकाल दो, दैट इज 12। तो 12 में 1 ऐड कर दो, 13। बस। तो दिस इज द फर्स्ट टू डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 गिव्स यू रिमाइंडर 1। अब उसका नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा जिसको 4 से डिवाइड करने से 1 रिमाइंडर आएगा, उसमें 4 ऐड कर दो बेटे, 17। नेक्स्ट होगा उसमें और 4 ऐड करो, 21। ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट वाला क्या होगा, आप निकाल दो सबसे लास्ट वाला कौन सा टू डिजिट नंबर 4 से डिविजिबल है, दैट्स इट, दैट इज 96 97। 96 प्लस 8, यस 96 में 1 ऐड कर दो, 97। आपको क्या पूछा है, कि सवाल पूछा है कि वो सारे टू डिजिट नंबर ऐड करो जिनको 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 होता है, और सम बताओ, मतलब ये सबका सम। और ये बीच वाला मुझे निकालना नहीं चाहिए, इतने सारे नहीं निकालूंगा। तो मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि दिस इज एन एपी, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हर टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस करता हूं तो 4 आता है। सो दिस इज एन एपी जिसका फर्स्ट टर्म ए इज 13 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज 4, और मुझे इनका सम का वैल्यू चाहिए। लेकिन सम निकालने के लिए मुझे और एक चीज की जरूरत है जानना, और वो चीज क्या है कि ये एपी में कितने टर्म है, कितने टर्म आप ऐड कर रहे हो। ऐसे तो हम लिख सकते हैं बहुत सब के सब, लेकिन उसमें टाइम जाता है, तो हमें कितने टर्म है ट्रिक लगा के निकालना। तो इमेजिन करो, इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि ये एपी में एन नंबर ऑफ टर्म्स, जस्ट इमेजिन, मैं एपी इधर लिख रहा हूं, 13 आप इनको ऐड कर रहे हो, सॉरी और मैं इन सबको ऐड करके वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो इमेजिन करता हूं, लेट मी इमेजिन कि इसमें देयर आर एन नंबर ऑफ टर्म्स। पहले तो मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई ये केपी है जिसका फर्स्ट टर्म इज 13 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4, ये मैं तय कर चुका हूं।
अब मैं इमेजिन करना चाहता हूँ कि देर आर एन नंबर ऑफ टर्म्स, और मैं एन का वैल्यू जानना चाहता हूँ कि देर आर एन नंबर ऑफ टर्म्स एंड व्हाट इज दिस एन, एन का वैल्यू क्या है. जस्ट इमेजिन कि अगर ये पी में एन नंबर ऑफ टर्म होगा तो ये 97 nth टर्म नहीं होगा क्या? अगर इसमें एन नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये जो लास्ट टर्म 97 वो nth टर्म ही होगा ना. अगर इसमें एन नंबर, अगर किसी एपी में फिफ्थ पांच टर्म्स हैं तो उसका जो लास्ट टर्म होगा वो फिफ्थ वाला टर्म होगा ना. अगर किसी एपी में 10 टर्म है तो लास्ट वाला टर्म 10th टर्म होगा ना. तो मानो इसका जो लास्ट वाला टर्म जो कि nth टर्म दैट इज 97, और nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. वेल आपको a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, n का वैल्यू पता चल जाएगा. अरे गेट इट? यस सर. यस सर. यस सर. अब n का वैल्यू पता चलने के बाद सपोज n आया वट एवर, मैं कर देता हूँ, कर देते हैं इसको. a कितना बेटे दे रखा है, एज 13 प्लस एन माइनस वन इंटू फोर इज इक्वल टू 97. वेल 13 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 97. वेल 4n इज इक्वल टू 97 प्लस 4 माइनस 13. और बेटे 97 में अगर आप 4 ऐड करो तो कितना होता है, 101 राइट. अभी 101 राइट, 101 में से 13 माइनस करो बेटे, 11 से 3 गया 8. अरे समझ रहे हो, 11 से 3 गया 8, 9 से 1 गया 88 राइट. यस सर. तो n का वैल्यू कितना होगा बेटे, 88 डिवाइडेड बाय 4 22. लो मालूम चल गया कि इसमें 22 टर्म है. कितने टर्म है बेटे, 22 टर्म है. देयर आर 22 टर्म्स. और मुझे ये सारे टर्म्स का सम का वैल्यू निकालना है, ऐड करने से क्या आना चाहिए. तो कोई नहीं, मुझे मालूम है फॉर्मूला कि पहला n नंबर ऑफ किसी भी एपी का पहला n नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करने से क्या आंसर आता है, वो मुझे मालूम है फॉर्मूला. तो ये एपी में 22 नंबर ऑफ टर्म है, तो मैं अगर शुरुआत से ये 22 नंबर टर्म्स का सम करना चाहूँ, मतलब वे से 22 इसका वैल्यू निकालना चाहूँ, तो पहले तो मैं, मुझे फॉर्मूला पता है कि अगर कोई एपी का पहले शुरू से अगर n नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालने के लिए हमें पूछा जाए, कोई एपी है और पूछा गया कि शुरुआत से आपको शुरू से पांच टर्म का सम बताओ, तो फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. या फिर और एक भी फॉर्मूला है, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, वेर एल इज द लास्ट टर्म एंड ए इज द फर्स्ट टर्म, बताया था. तो इधर आपको शुरुआत से पहला मतलब 22 टर्म का सम चाहिए, और इसमें 22 टर्म ही है, इसमें 22 टर्म ही है वो सम चाहिए. तो n का जगह बस 22 डालना है, और a का जगह वैल्यू डालना है 13, d का जगह वैल्यू डालना है 4, काम खत्म. यू गॉट इट? यू गॉट योर आंसर? यस सर. यस सर. अच्छा, तो ये करके लाओगे और ये क्वेश्चन भी करके लाओगे. टेक द स्क्रीनशॉट. डन. एक पॉलीगॉन वाला लास्ट क्लास में करवा दिया था. अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैंने बोला था कॉन्वेक्स करने के लिए, रिमेम्बर. अच्छा, अगर ये सवाल बिना कॉन्वेक्स के खाली पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स, देन इसका दोनों के दोनों आंसर सही है. ये जो दोनों आंसर आए हैं, एक 9 एंड दूसरा है 16, दोनों आंसर सही है. क्योंकि बेटा देखो, मैंने बोला था कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जो होता है, जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है, उसका हर एक एंगल का वैल्यू 180 डिग्री से कम होता है, राइट. कन्वेक्स पॉलीगॉन का हर एक एंगल का वैल्यू 180 डिग्री से कम होता है. अरे समझ रहे हो? यस सर. यस सर. यस सर. हर एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू 180 डिग्री से कम होता है, बस याद रखो. तो अगर कोई भी एक पॉलीगॉन है जिसका कोई एक इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा हो जाता है, कोई भी एक पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा हो जाता है, तो उस टाइप पॉलीगॉन कॉन्वेक्स नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन. क्या हो जाएगा? कॉनकेव पॉलीगॉन. फॉर एग्जांपल दिस पॉलीगॉन यू कैन सी दिस. अब इसका इंटीरियर एंगल ये है, ये जरा मेजर करके देखो, ये 180 से ज्यादा आता है इंटीरियर एंगल, तो ये एक कॉनकेव पॉलीगॉन है. तो कोई भी पॉलीगॉन का अगर सारे के सारे एंगल्स, सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स, नॉट एनी एंगल,
सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स अगर 180 डिग्री से कम है तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन। और अगर इंटीरियर एंगल में से कोई एक भी अगर 180 से ज्यादा होता है तो वो है कॉनकेव पॉलीगन। और जैसे कि ये सवाल में आप जब सॉल्व किए तो ये जो पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड निकल के आया या आइदर 9 और 16 दो दो वैल्यू निकल के आते हैं, मतलब दो ऐसे पॉलीगन संभव है, एक पॉलीगन जिसका साइड एन 9 नंबर ऑफ साइड लो, दूसरा पॉलीगन जिसका साइड 16 नंबर ऑफ साइड लो, और ये कंडीशन जो दे रखा है उसके हिसाब से क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा तो क्या होता है, देखो सपोज ये कॉन्वेक्स पॉलीगन हमें पूछा है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन, बस कॉन्वेक्स पॉलीगन का साइड नंबर ऑफ साइड होता है, तो अगर हम एन का जगह 16 लेते हैं कि मानो इसका 16 नंबर ऑफ साइड है, तो इसका लास्ट एंगल जब हम मेजर करते हैं आता है 195 डिग्री और ये तो 180 से ज़्यादा हो गया, तो ये तो कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा, तो हम इसको रिजेक्ट कर लेते हैं। तो n इज इक्वल टू 9 इज द ओनली आंसर, करेक्ट आंसर, इनमें से 9 करेक्ट आंसर है, 16 इज इनकरेक्ट आंसर। लेकिन अगर खाली पॉलीगन पूछा है, कोई कॉन्वेक्स कॉनकेव नहीं, तो बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। यू गेट माय पॉइंट? ओके, यस सर, यस सर, ओके ठीक है, ले गए स्क्रीनशॉट तो इस क्वेश्चन का? ओके ठीक है, ओके बस ओके। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने आपको जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला कैसे मतलब निकाल के मैंने दिखवाया था कि कोई भी अगर जीपी है, जीपी का मतलब क्या होता है कि एक टर्म डिवाइडेड बाय उसका प्रीवियस टर्म इज ए कांस्टेंट। जैसे एपी में क्या होता है कि एक टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म इज ए कांस्टेंट, जीपी में क्या होता है एक टर्म डिवाइडेड बाय उसका प्रीवियस टर्म इज ए कांस्टेंट। तो फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16, 32 ये एक जीपी है, क्योंकि मैं जब इसका कोई भी टर्म में सपोज ये टर्म में उसका प्रीवियस टर्म डिवाइड करता हूँ तो 2 मिला, ये टर्म में उसका प्रीवियस टर्म डिवाइड करता हूँ तो भी 2 मिला, इसमें भी डिवाइड करता हूँ तो भी 2 मिला, मतलब हर टर्म डिवाइड बाय उसका प्रीवियस टर्म इज 2। या आप बोल सकते हो कि एक टर्म में कोई एक सेम कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और हमें उसका नेक्स्ट टर्म मिलता जा रहा है, तो इस टाइप का प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जो कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एक टर्म में मल्टीप्लाई करके उसका नेक्स्ट टर्म पा रहे हो उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, उसको आर भी पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं आर, और हियर इन दिस केस आर इज इक्वल टू 2 इन दिस केस। आई होप यू गेट इट। और मैंने आपको ये पढ़ाया था कि सपोज मेरे पास एक जीपी है और मैं जानना चाहता हूं उस जीपी का nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, और आप सोच रहे होगे कि सर nth टर्म खाली ना बोल के nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्यों बोल रहे हैं, इसका क्या कारण होगा? देखो बड़े अगर मैं खाली nth टर्म जब बोलता हूँ तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो बेटे, सपोज कुछ बच्चे बैठे हैं सपोज इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, डी है, ई है। अगर मैं बोलता हूँ सेकंड पोजीशन वाला बच्चा का नाम बताओ, अभी देखो इधर एक कन्फ्यूजन हो रहा है, अभी सेकंड पोजीशन माने तो शुरुआत से सेकंड पोजीशन कि एंड से सेकंड पोजीशन, अरे कन्फ्यूजन है ना बेटे, अरे शुरुआत से सेकंड पोजीशन या फिर एंड से सेकंड पोजीशन, कौन सा सेकंड पोजीशन बताओ। हाँ अगर मैं आपको बोलता हूँ बेटे शुरुआत से सेकंड पोजीशन मतलब बिगिनिंग से सेकंड पोजीशन तो आप बोलोगे हाँ बी, अगर मैं बोलूंगा एंड से सेकंड पोजीशन तो आप बोलोगे ई। यू गॉट इट? इसीलिए हम यूज करते हैं ये चीज कि फ्रॉम द बिगिनिंग। आई होप यू गेट इट। हेलो, यस सर, बस यस सर।
तो अगर कोई जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म अगर ए है एंड उसका कॉमन रेशियो अगर आर है, तो उस जीपी का शुरुआत से एन नंबर पोजीशन वाला टर्म अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला क्या बेटा, ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन, पढ़ाते हैं ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन, इसको डिराइव भी किए थे, रिमेंबर जनरल टर्म ऑफ द जीपी। अगेन इसको भी हम जनरल टर्म बोल रहे हैं क्योंकि एन का जगह आप अगर कोई भी नेचुरल नंबर रखो तो उस पोजीशन वाला टर्म हो जाएगा। अगर एन का जगह वन रखा तो ये फर्स्ट टर्म, एन का जगह टू रखा तो ये सेकंड टर्म, एन का जगह थ्री रखा तो थर्ड टर्म, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं जनरल टर्म। गॉट इट? यस सर। ओके यस सर। यस सर। ये एग्जांपल भी हमने लास्ट क्लास में कर दिए थे, फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं और ये सवाल पे आते हैं। हाँ जितने इनफैक्ट मैं स्क्रीनशॉट और क्यों लूँगा, आप एक एक करके जितने एग्जाम्पल दिए करते जाओगे बेटे, सारे के सारे एग्जाम्पल मुझे करके संडे को दो 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 बार हर एग्जाम्पल को करके मुझे संडे को दिखाओगे। गेट माई पॉइंट? अरे गेट इट? यस सर। ओके यस सर। अभी सवाल ये है कि इफ ए बी सी डी आर इन जी पी, अगर ए बी सी डी ये चार टर्म अगर जी पी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो प्रूव दैट ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड इंटू बी स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड प्लस डी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। अब ये सवाल बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन हम इजी तरीके से करेंगे क्योंकि एक्चुअली होता है क्या है, अब अगर डिफिकल्ट तरीके से करते हो तो बीच में उलझ जाओगे और उधर से ही क्वेश्चन आगे आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे, कन्फ्यूजन में छोड़ के आ जाओगे। तो इजी प्रोसेस हमें पहले मालूम करना चाहिए और उसी इजी प्रोसेस में उसको करना चाहिए। फिलहाल इसको करने से पहले हम और एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेट मी इरेज इट। तो बड़े लिख, तो बड़े लिखो, जो लिख रहे हो लिखो या फिर जो स्क्रीनशॉट ले रहे हो लो, कि इफ ए बी सी आर इन जे पी, अगर ए बी सी तीन टर्म्स अगर जी पी में है, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, जो मिडिल टर्म का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू एक्सट्रीम टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। तो इसको मैं प्रूव करके आपको दिखाता हूं बेटा, अगर ए बी सी जी पी में है तो इसका तो यही मतलब है ना कि कोई भी टर्म डिवाइडेड बाय उसका प्रीवियस टर्म तो कॉन्स्टेंट आना चाहिए। इसका मतलब सेकेंड टर्म बी डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ए शुड कम आउट टू बी इक्वल टू बी थर्ड टर्म सी डिवाइड बाय सेकेंड टर्म बी, और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो बी स्क्वायर इज इक्वल एसी आता कि नहीं, बेटे आता कि नहीं आता? ओके सो दैट्स इट, टेक द स्क्रीनशॉट। यस सर। टेक इट, डन। ओके आगे चलते हैं। अरे नोट में लिख रहे होगी नहीं, जो स्क्रीनशॉट ले रहे हो नोट में लिख रहे होगी नहीं? हेलो। यस सर। हाँ यस सर। तो ये सवाल को पहले मैं लिख लेता हूँ, उसने दे रखा है कि ए बी सी डी आर इन जी पी, गिवन ए बी सी डी इन जी पी, और बोला है कि प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन टू, क्या बोला है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ये शायद सवाल है, यस आपको प्रूव करना है। तो बड़े देखो ये सवाल को आप इधर उधर से मत करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर ये सब जी पी में है, लेट सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लेट कॉमन रेशियो, बेटे कॉमन रेशियो का आप सी आर भी लिख सकते हो, कॉमन रेशियो वार्ड में लिखने की जरूरत नहीं है। सी आर मतलब कॉमन रेशियो, सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो लेट ए सी आर इज इक्वल टू आर, मानो इसका कॉमन रेशियो आर है। तो बेटे क्या बी का वैल्यू ए आर नहीं होगा? क्योंकि ए अगर फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन रेशियो आर मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो सेकेंड टर्म मिलेगा बी। क्या सी इज इक्वल टू
अरे समझ रहे हो ना, सी का मतलब क्या होगा बेटा, बी आर, बी में सेकेंड टर्म में अगर आर मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड टर्म मिलेगा, यही तो होता है जीपी का। और बी एक्चुअली है क्या, ए आर, बी क्या है बेटा, ए आर, तो ए आर इंटू आर क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। अरे गेट इट, यस सर। बी क्या होगा, बी इज इक्वल टू सी में अगर आर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जीपी है, सी में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं उसका नेक्स्ट टर्म मिल जाता है, तो सी है ए आर स्क्वायर ऑलरेडी, उसमें का आर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है ए आर क्यूब। हाँ, तो ये आपके वेपन बनेंगे, क्या बनेंगे आपके वेपन बनेंगे, इन्हीं को इस्तेमाल करके आगे बढ़ोगे, इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए कि ए बी का वैल्यू निकला ए आर, सी का वैल्यू निकला ए आर स्क्वायर एंड डी का वैल्यू निकला ए आर क्यूब, बस इनको हम इस्तेमाल करेंगे। बेटे एल एच एस में आते हैं, एल एच एस रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एल एच एस क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वेल, बस आप रिप्लेस करते जाओ बेटे, बी इज व्हाट, व्हाट इज बी, ए आर, तो बी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, बेटे ए आर का स्क्वायर करोगे, सी स्क्वायर, बेटे सी इज ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर आर टू द पावर फोर। इधर बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर आर टू द पावर फोर। डी स्क्वायर क्या होगा, डी इज ए आर क्यूब, उसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर इंटू आर क्यूब, आर क्यूब का जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बेटा, आर टू द पावर सिक्स। अरे समझते हो ना, आर क्यूब का जब स्क्वायर करोगे तो आर टू द पावर सिक्स आएगी नहीं, बस काम बता। अब बेटे सिंपली क्या करो, कॉमन लो, कॉमन लो बेटे, इधर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन तीनों में से ए स्क्वायर, राइट, कॉमन लेने से इधर क्या होता है, वन प्लस आर स्क्वायर प्लस व्हाट, आर टू द पावर फोर। अच्छा, ये दोनों में, ये तीनों में से क्या कॉमन ले सकते हो बेटे, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, राइट, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, देख रहे हो, देखो इस सब में से स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा, वन बेटे, इसमें से ए स्क्वायर आर स्क्वायर अगर ले जाओगे तो ए स्क्वायर चले गया, अभी आर टू दी पावर फोर में से अगर आर स्क्वायर डिवाइड करके ले जाओगे बचेगा क्या, खाली आर स्क्वायर, अभी इसमें से अगर ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ए स्क्वायर चला गया, आर टू दी पावर सिक्स को अगर आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, आर टू दी पावर फोर। वेल, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर क्या होगा, ए टू दी पावर फोर, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू दी पावर फोर इंटू आर स्क्वायर इंटू वन प्लस आर स्क्वायर इंटू आर टू, सॉरी, वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर फोर इंटू अगेन वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर फोर, तो मतलब क्या हो जाता है, वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर फोर का होल स्क्वायर, राइट, दिस इज योर एल एच एस, गॉट इट। अब आते हैं आर एच एस पे, और आर एच एस आपको क्या याद रखा है मेरे बताओ, कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, आई होप सो, ए बी प्लस बी सी प्लस, यस। और बेटे मैं एल एच एस जो निकल के आया फाइनली, अगर आर एच एस को वही दिखा दूँ तो हो गया ना, दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो बेटे ए इंटू बी क्या है बेटे, ऑलरेडी हमें बताया ए आर, बी क्या है बेटे ए आर, और सी क्या है बेटे ए आर स्क्वायर, और इधर सी क्या है ए आर स्क्वायर, डी क्या है ए आर क्यूब, अरे गेट इट, उसका होल स्क्वायर। अब बेटे मुझे बात बताओ, ये सब में से क्या कॉमन जाएगा, ये इनमें क्या कॉमन है बेटे, सब में ए दो बार है, चेको सब में ए स्क्वायर सब में है, सब में ए दो दो बार है, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए। अच्छा, आई थिंक सब में आर भी है, देखो सब में आर एक एक बार है, राइट, इसमें आर एक बार, इसमें भी आर एक बार, इसमें भी आर एक बार, कॉमन लेना है बेटे, बस सब में होना चाहिए कॉमन, तो ए स्क्वायर आर अगर कॉमन ले जाते हैं तो बस, मतलब बस इसमें से, बस ये तीनों में से अगर ए स्क्वायर आर कॉमन लेते, इधर क्या बचेगा बेटा, अगर ए स्क्वायर आर कॉमन ले ले तो वन,
इधर बटे ए स्क्वायर ले गए, मतलब दो दो ए ले गए, आर भी ले गए, तो बचेगा खाली आर स्क्वायर। अच्छा बेटे इधर से ए स्क्वायर ले गए, मतलब दो ए चला गया और आर ले लिए। बेटे इधर है आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, उसमें से एक आर ले लो। अरे आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब का मतलब क्या होता है बेटे? आर टू द पावर फाइव, आर टू द पावर फाइव में से फाइव एक आर डिवाइड करके ले लो, तो बचेगा कि आर टू द पावर फोर बचेगा, राइट? आर टू द पावर फोर। हाँ, इस होल चीज का व्हाट? यस सर। इस होल चीज का स्क्वायर, राइट? क्वेश्चन दे रखा है ना लास्ट को स्क्वायर। मैं ये सब में से कॉमन लाया, लेकिन बाहर तो पूरा स्क्वायर बैठा है ना, बाहर बैठे स्क्वायर बैठा है। और इसका क्या मतलब होता है? ए स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर इंटू वन प्लस आर स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर फोर इसका स्क्वायर, राइट? क्यों बेटे? क्योंकि एक्स वाई का स्क्वायर अगर निकालोगे तो क्या होगा? एक्स का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। यू गेट इट? अब जरा चेक, यस सर, अब जरा चेक करो कि आपका एल एच एस भी यहाँ तक आ गया था। बस ये होता है ए टू दी पावर फोर और ये होता है आर स्क्वायर और ये हो गया वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दिवार फोर का होल स्क्वायर। और देख सकते हो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, दे आर फोर प्रूव्ड। चेक कर लो, आरंट दे सेम? ओके, सो आज सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, सो प्रूव्ड, राइट? सो टेक द स्क्रीनशॉट, टेक इट, वन सेकंड वन सेकंड, टेक इट टेक इट टेक इट टेक इट, डन? यस सर, टेक इट, डन? यस सर, बस। अच्छा तो आज टाइम हो गया, कल करेंगे, ठीक है? कल क्लास में करेंगे। और संडे यू हैव एक्स्ट्रा क्लास, एवरीबॉडी मस्ट ज्वाइन एट 10 AM, ओके? 10 AM इन द मॉर्निंग एवरीवन हैज टू ज्वाइन, गॉट इट? जो नहीं ज्वाइन करेगा तो मैंने क्लास अलाउ नहीं करूँगा, ओके? Thank you guys, thank you very much. Yes sir. Thank you guys. Thank you sir. Thank you sir. Welcome, welcome.